नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आई नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शहर में ठग और छात्रों के हौसले हो रहे हैं बुलंद। पीड़ित का एटीएम कार्ड बदलकर निकाले 15,000 रुपए। सफाई कर्मियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से शहर में चरमराई सफाई व्यवस्था। नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बहने के कारण राहगीर हो रहे परेशान। ऑटो ड्राइवर द्वारा व्यापारी के साथ मारपीट करने पर व्यापारियों में आक्रोश। नला बाजार बंद कर व्यापारियों ने जताया विरोध। अजय मेरू लेडी सोशल सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है लगातार परमार्थ कार्य। रेलवे स्टेशन पर सोसाइटी द्वारा दूसरे दिन भी की गई शुद्ध जल सेवा। जूतों की कंपनी में काम करने वाले मैनेजर ने 2,00,000 रुपए की रकम की खुर्दबुर्द। कंपनी प्रतिनिधि की शिकायत पर पुलिस ने किया मामला दर्ज। और अब चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। शहर में ठग और शातिरों द्वारा लगातार ठगी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। कृष्णगंज थाना क्षेत्र में एटीएम पर पैसे निकालने गए पीड़ित को बातों के जाल में फंसाकर दो बदमाशों ने कार्ड बदल दिया और पीड़ित के घर जाने के बाद उनके खाते से 15,000 रुपए निकाल लिए। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आए दिन शातिरों द्वारा ठगी की वारदात को अंजाम दिया जाता रहा है। ऐसे एक मामला सामने आया जिसमें कोटड़ा निवासी मोहनलाल भाट नामक व्यक्ति के साथ दो लोगों द्वारा एटीएम बदलकर 15,000 की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवादी रीजनल कॉलेज के पास एटीएम पर पैसे निकालने गया, तभी दो अनजान व्यक्ति आए और उन्होंने बातों के जाल में परिवादी को फंसाकर एटीएम बदल दिया। परिवादी के जाने के बाद दोनों युवकों ने एटीएम से 15,000 रुपए निकाल लिए। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिवादी श्री मोहनलाल भाट निवासी कोटड़ा, कल ये अपने रीजनल कॉलेज के पास में SBI के ATM में गए थे, वहाँ पैसे निकालने थे। तो वहाँ ये पैसे निकला रहे थे, इतने में दो व्यक्ति अन्य आए और उन्होंने इनका चतुराई से कुछ बोल करके इनका कार्ड बदल लिया और इनको दूसरा कार्ड थमा दिया और उसमें से 15,000 रुपये की ठगी कर ली। इनसे पैसे नहीं निकले और उन ठगों ने उस ATM से और इनका पासवर्ड चुरा लिया और उसमें पैसे निकले। दरगाह बाजार के नज़दीक बने नाला बाजार में व्यापारियों ने आज बाजार बंद कर रोष प्रकट किया। व्यापारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि एक व्यापारी के साथ ऑटो ड्राइवर द्वारा मारपीट की गई, जिस पर उसकी आंख पर चोट आई। इस पर विरोध जताते हुए व्यापारियों ने नला बाजार बंद कर प्रदर्शन किया। नला बाजार को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। बंद का कारण यह है कि कल रात एक ऑटो चालक से व्यापारी की कोई कहा सुनी हुई, उसके बाद में ऑटो चालक ने व्यापारी के साथ बुरी तरह से मारपीट करना शुरू कर दिया। मारपीट इतनी भयंकर कि व्यापारी के जो है आंखों पर चोट आ गई, जिससे वह काफी ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको JLN अस्पताल में भी ले जाया गया। वहां पर जो है उसका मेडिकल कराकर इस पूरे मामले की जो बात है वो पुलिस थाने में भी दी गई। देखिए, काफी सारे व्यापारी यहाँ पर इकट्ठा है अपना रोष व्यक्त करने के लिए, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है जब ऑटो चालक रिक्शा चालकों के द्वारा मारपीट की गई हो। मारपीट इतनी जबरदस्त और इतनी भयंकर थी कि व्यापारी के आंखों के ऊपर चोट भी आ गई। आप देख सकते हैं भीड़ यहाँ पर, ये सभी लोग, ये व्यापारी हैं जो सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा है। सभी व्यापारी देखिए यहाँ पर इकट्ठा है। क्या भाई साहब, किस बाजार आप लोगों ने बंद करा? लवली फुटवेयर के नाम से दुकान है। रात को जो घटना घटी है, उस घटना घटने से इस बाजार के सिचुएशन को देखते हुए इन बाजार बंद रखा है और इनकी तुरंत गिरफ्तारी करने की मांग रखी है। किन मामलों को लेकर भाई साहब आज ये दुकान आप लोगों ने बंद रखी है? पूरी तरीके से कितनी दुकानें बंद है और क्या कहना चाहते हैं? सर, इस नला बाजार एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ और ये पूरी बाजार बंद है, टोटल ही बंद है।
कुछ कल रात को करीबन 10 बजे कुछ असामाजिक तत्व मेरी शॉप पे आए, बोले ये यहाँ से गाड़ी खड़ी थी उनकी, कोई ऑटो रिक्शा खड़ी होगी, उन्होंने बोला ये आपके कहने से मेरी ऑटो रिक्शा हटी है और उन्होंने आपके कहने से ये हटाई गई है। और मैंने उनको बोला, मैंने किसी को भी नहीं बोला गाड़ी हटाने के लिए, और नहीं वो बोले नहीं आप लोगों, फिर मेरे को गाली गलौज की और गाली गलौज करने के मेरे बेटे पर हाथ लगाया और मेरे बेटे को मारा दुकान के अंदर। और इनके 8 टाके आ चुके हैं और कल रात से इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। इसकी नाक आँख हाथ ये सारे खरोच करी हुई है, ये तो अभी ब्लड नहीं है, इतना ब्लड निकला है। उसने पहुँच लिया टोलिए से पहुँच के, बाद में गया पूरे बाजार, हमने पूरे बाजार का सहयोग था, पूरे बाजार के सहयोग कल रात से है। रात को 2 बजे तक हम पूरा बाजार हमारे साथ था, 10 बजे से रात को 2 बजे तक। हम अब कब तक ये बाजार बंद रहेगा? बाजार ये आज तो बंद है, कल थोड़ा नीचे जो है और कुछ दुकानें जो खुली है वो कल आधी आधी खोल लिए, आधी खुलने दो, कल वो भी बंद होगी और परसों पूरा अजमेर शहर बंद हो। देखिए अजमेर बंद होने की जो चेतावनी है वो यहाँ के जो नाला बाजार व्यापारिक एसोसिएशन के अध्यक्ष, क्या नाम है गली आपका? लीला राम जी, उन्होंने दी है। ये वो शख्स है जिनके साथ कल ऑटो चालक जो है जिन्होंने मारपीट की है, जिनका मैं आपको बता चुका हूँ कि आंख पर उनके गंभीर चोट भी आई है। भैया क्या हुआ था कल, क्या किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था और किन लोगों से हुआ था? सर यहीं के आसपास में रहने वाले इलाके के जो लोग हैं उन्होंने अपना ऑटो खड़ा कर रखा था। ऑटो चालक है तो उन पुलिस वालों ने उनके ऑटो हटवाया, तो वो कुछ देर के लिए ऑटो हटा के 1 घंटे के बाद मेरी शॉप पे आए और मेरे पिताजी को उन्होंने गाली गलौज करी और उन्होंने बोला कि आप मार्केट के अध्यक्ष हो, आपने मेरा ऑटो यहाँ से हटवाया। हमने कहा हमने आपका ऑटो नहीं हटवाया। इस चक्कर में उन्होंने मेरे के हाथापाई की दुकान के अंदर, इसके बाद में ये सब हुजूम बन के 4-5 जने मिल के इन्होंने मेरे को मारा। अच्छा, तो कहाँ कहाँ पर चोट आई है आपको? सर मेरे आँख पे चोट आई है, मेरे नाक पे चोट आई है, मेरे फ्रैक्चर हुआ है उंगली पे, मेरे घुटनों में चोट आई है, मेरे कमर पे चोट आई है, अंदरूनी चोटें बहुत आई है। अच्छा, आँख पर कितनी चोट आई? सर आँख पे मेरे को 8 टाके आए। अच्छा, आँख पर ये जो टाके आए? सफाई कर्मियों द्वारा लगातार 2 दिन से की जा रही अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। शहर की सड़कों पर नालियों का गंदा पानी बहने के कारण आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अजमेर के नगर निगम सफाई कर्मियों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल और प्रदर्शन के कारण शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। सफाई कर्मियों द्वारा वाल्मीकि समाज को भर्तियों में प्राथमिकता देने की मांग की जा रही है। सफाई कर्मियों के कार्य बहिष्कार के कारण शहर में जगह जगह कचरे के ढेर देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब तक राजस्थान सरकार वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता नहीं देगी तब तक यही हाल होता रहेगा। आज अजमेर शहर में ख्वाजा साहब की मान छठी होने के बाहर से आए हुए जायरीनों को भी ये पता चले कि अजमेर पूरे राजस्थान के अंदर जो वाल्मीकि समाज द्वारा वाल्मीकि को समाज को प्राथमिकता न देने के कारण ये रोष व्याप्त है वाल्मीकि समाज के अंदर। जब जब भी देखो सरकार द्वारा आने वाले समय में आरक्षण के प्रति बात करती है, जबकि मूल काम और मूल पद पे काम हमारा है ये वाल्मीकि समाज का। मेरा पूरे सरकार से निवेदन है और अजमेर नगर निगम जिला कलेक्टर महोदय से कि आप जल्द से जल्द हमारी कार्रवाई पर अमल करें, हमें जल्द से जल्द हमारी कार्रवाई पर अमल करें। और वाल्मीकि समाज को मेन भर्ती की प्रक्रिया है, जो भर्ती की प्रक्रिया है उसमें हमें यहाँ 32 पद दिए गए हैं वाल्मीकि समाज। आज से शेर की आज बदहाली है, क्योंकि राजस्थान के अंदर हड़ताल है, जब तक हमारे प्रदेश आवाम पर ये आह्वान नहीं होता है कि हड़ताल पर खत्म नहीं होगी, जब तक हड़ताल चलती रहेगी। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि वो जहाँ कहीं भी है उन तक हमारी बात पहुँचे और हमारी वाल्मीकि समाज को ज़्यादा से ज़्यादा गौर करें। आने वाले सरकार का भविष्य का बहिष्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने दावा पोषी कर रखी कि रिपीट का शोर वाल्मीकि समाज को संतुष्ट नहीं किया गया, तो उसका खामियाजा कांग्रेस सरकार और राजस्थान के मुख्यमंत्री और अजमेर जिले के प्रशासन को भुगतनी पड़ेगी। अजमेर के शांतिपुरा में स्थित रिबॉक कंपनी के जूतों के शोरूम की एजेंसी में काम करने वाले मैनेजर द्वारा 2 लाख की रकम खुर्द-बुर्द करने का मामला कृष्णगंज थाने में दर्ज हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। शांतिपुरा में स्थित रिबॉक कंपनी के जूतों के शोरूम की एजेंसी राजश्री और कार्तिक श्री में काम करने वाले मैनेजर द्वारा 2 लाख रुपए खुर्द-बुर्द करने का मामला कृष्णगंज थाने में दर्ज हुआ। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि कंपनी के प्रतिनिधि ने इस संबंध में थाने में शिकायत दी है, जिस पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।
परिवादी श्री सीताराम ने ये मुकदमा दर्ज कराया। ये रिबॉक जो जूतों की कंपनी उनके हेड हैं ये, और इनकी यहाँ ब्रांच है अपने शांतिपुरा में। तो यहाँ मैनेजर श्री मनीष कुमार ने स्टॉक में जो इनके जूतों का स्टॉक था उसको उसमें से खुर्दबूद कर दिया, करीब 2 लाख का माल। इस पर यह मुकदमा दर्ज किया गया, अनुसंधान से विस्तृत अनुसंधान से आगे की कार्रवाई की। ये हेड है, ये रिबॉक कंपनी के हेड है जयपुर के। यहाँ इन्होंने ब्रांच दे रखी है अपने शांतिपुरा में, राजश्री और कार्तिके सिंह दोनों को। अखिल भारत वर्षीय मारवाड़ी टांग छिपा दर्जियान ट्रस्ट श्री नामदेव विठल भगवान मंदिर पुष्कर के सानिध्य में नवनिर्मित श्री विठल मंदिर के प्रथम पाठोत्सव का आयोजन आज अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अखिल भारत वर्षीय मारवाड़ी टांग छिपा दर्जियान ट्रस्ट श्री नामदेव विठल भगवान मंदिर पुष्कर के सानिध्य में नवनिर्मित श्री विठल मंदिर के प्रथम पाठोत्सव का आयोजन गुरुवार को अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ट्रस्ट अध्यक्ष सुरेश कुमार बाटू ने बताया कि नामदेव भगवान पुष्कर में 2 दिवसीय पाठोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें बुधवार रात्रि को संगीत में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। महोत्सव के तहत मंदिर को भव्य सजाया गया, वहीं पंडित शशिकांत शर्मा पुष्कर के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया। कार्यक्रम मुख्य वेदी पर प्रमुख यजमान सुरेश मंजुला बाटू को बैठाकर हवन पूजा अर्चना की गई। वहीं सचिव भूपेश कुमार टाडा ने बताया कि पाठोत्सव में अधिकांश ट्रस्टीज व नामदेव समाज के अनेक कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। विठल मंदिर के अंदर बहुत ही पाठोत्सव का प्रोग्राम हुआ है, और ये आज हमारे समाज के अध्यक्ष सुरेश जी बाटू ने बहुत तन मन से मंदिर से सेवा की है। किशनगढ़ से राम गोपाल जी गौतम भी है, और हमारे सभी सेवा समाज के लोगों ने इस मंदिर को बहुत भव्य रूप दिया है। और बहुत कम लोग ऐसा होते हैं कि जो भव्य रूप देकर मंदिरों के लिए धार्मिक से जुड़े हुए हैं, उनका हम आज तहे दिल से किशनगढ़ परिवार की तरफ से और नामदेव समाज की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। और यथासंभव ईश्वर को इसी तरह उनके धन धान्य में बरकत करते रहे। और ईश्वर है, ये बहुत ही मंदिर भव्य बनाया है, चारों तरफ से मंदिर की भव्यता बनी है। पास में एक धर्मशाला का रूप भी दे दिया, इस धर्मशाला के अंदर जो इन्होंने दिया है आने वाले के लिए बाहर के लिए थोड़ी सी रूप निकलने की व्यवस्था हो गई है। और अच्छा ये प्रोग्राम रहा है। आज पाठोत्सव पहले 8 मई को यहाँ पर एक बहुत ही इस मंदिर का जो शिलान्यास हुआ था और प्राण प्रतिष्ठा हुई थी मंदिर की, वो बहुत भव्य कार्यक्रम था। और उसी कार्यक्रम को आज देखते हुए पाठोत्सव दोबारा किया गया है, और आज काफ़ी संख्या के अंदर पुष्कर के अंदर लोग आए हुए हैं, और इस समाज के नाते अच्छा प्रोग्राम है। तीर्थराज पुष्कर में हमारे नामदेव समाज का नामदेव विठल भगवान के मंदिर में पाठोत्सव रखा गया है। इसकी मूर्ति स्थापना को आज 1 साल पूरा हो गया, उसके उपलक्ष्य में ही हमने ये भव्य आयोजन रखा है। इसमें हमारे यहाँ हजारों आदमी आज भी मौजूद है। आज सुबह कल 2 रोज का कार्यक्रम रहा था। रात को तो हमारे भक्ति संगीत का कार्यक्रम हुआ, उसमें यहाँ की जो भजन मंडली है उन्होंने काफ़ी अच्छा भजन संगीत किया। फिर आज सुबह नामदेव जी का पंचामृत से स्नान वगैरह करा के और हवन वन करा के और उनकी पूजा प्राण प्रतिष्ठा की जो दोबारा पूजा करवा के और सारा उत्सव पूरा किया गया है। अभी प्रसादी रहेगी। आज इस प्रोग्राम में कम से कम 2000 आदमी तो अभी मौजूद है, फिर अभी संख्या बढ़ती है कितनी होती है। सर्व महिला संस्कृति रक्षा मंच द्वारा समलैंगिक विवाह विधि मान्यता के खिलाफ आज जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर महिलाओं द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। महिलाओं ने कहा कि भारत विभिन्न धर्म जातियों उपजातियों का देश है, इसमें शताब्दियों से केवल जैविक पुरुष और जैविक महिला के मध्य विवाह को मान्यता दी गई है, और भारतीय संस्कृति में समलैंगिक विवाह को कभी भी मान्यता नहीं मिली। सर्व महिला संस्कृति रक्षा मंच द्वारा समलैंगिक विवाह विधि मान्यता के खिलाफ आज जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर महिलाओं द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। महिलाओं ने कहा कि भारत विभिन्न धर्म जातियों उपजातियों का देश है, इसमें शताब्दियों से केवल जैविक पुरुष और जैविक महिला के मध्य विवाह को मान्यता दी गई है। महिलाओं ने कहा कि समलैंगिक व्यक्तियों के विवाह को विधि में मान्यता देना बिल्कुल गलत है और भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। इस संबंध में महिलाओं ने ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि भारत देश में इस तरह के कानून को मान्यता नहीं दी जाए। सर, आज हम शांतिपूर्ण ज्ञापन देने आए हैं, जो समलैंगिक विवाह को वैवाहिक को वैधानिक मान्यता
नहीं मिले इसके लिए हम शांतिपूर्ण ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि अगर ये समलैंगिक विवाह को वैधानिक सम्मान्यता मिल गई तो वो हमारे देश में, हमारे समाज में इसके आने वाले समय में घातक दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसी के विरोध में हम आज शांतिपूर्ण ज्ञापन देने आए हैं कि ये जो इसको विवाह, समलैंगिक विवाह का जो वैधानिक मान्यता का प्रोसेस चल रहा है, कि कई जो फास्ट ट्रैक में भी, शायद आपने देखा हो तो फास्ट ट्रैक में भी डाला हुआ है, इसको फास्ट ट्रैक के माध्यम से जल्द इसका निर्णय आने वाला, तो वो नहीं आने चाहिए। इसी के विरोध में हम शांतिपूर्ण ज्ञापन देने आए हैं कि इसका किसी भी तरह से वैधानिक मान्यता नहीं मिले, क्योंकि समलैंगिक विवाह का अगर मान्यता मिलने से समाज में कोई दुष्परिणाम ना हो, बस इसी के लिए हम शांतिपूर्ण ज्ञापन। अजमेर में सभी महिलाएं एकत्रित होकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आई हैं, इस संदर्भ में देने आए हैं कि जो समलैंगिक विवाह एक्ट जो पारित होने जा रहा है, इसके विरोध में दिया गया कि ये एक्ट ऐसा नहीं बनना चाहिए भारत में। अगर ऐसा एक्ट आ जाता है भारत में, तो इसके आगामी कुछ सालों में बहुत ही भयंकर दुष्प्रभावी परिणाम स्वरूप हमको देखने के मिलेंगे। जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति में ऐसा कोई भी प्राचीन काल में ऐसा कोई परंपरा चालू नहीं थी, और हम ये पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति के एक्ट है जो यहाँ लागू करना चाह रहे हैं, हम इसका विरोध करते हैं और महिलाएं खासकर इसका विरोध करती हैं, क्योंकि इसके दुष्परिणाम हमें आगे हमारी पीढ़ियों में देखने को मिलेंगे। इसके फलस्वरूप हम लोग आज सारी महिलाएं एकत्रित हो गए शांतिपूर्ण तरीके से कलेक्टर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के बाद प्रदेश भर में महंगाई राहत कैंप लगाए जा रहे हैं। आज शहर में भी अनेक जगह महंगाई राहत कैंप लगाए गए, जिसमें सैकड़ों लोगों ने उपस्थित होकर रजिस्ट्रेशन कराया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के बाद प्रदेश भर में महंगाई राहत कैंप लगाए जा रहे हैं। आज इसी के तहत गांधी भवन के बाहर महंगाई राहत कैंप लगाया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने उपस्थित होकर रजिस्ट्रेशन कराया। ये सर महंगाई राहत कैंप राज्य सरकार ने जो चलाया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने एक इतनी अच्छी योजना बनाई है और पूरे राजस्थान में ये कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसके वजह से जन आधार के माध्यम से, लाइट के बिल के माध्यम से लोगों को राहत दी जा रही है, महंगाई से राहत दी जा रही है, और जन आधार हर पब्लिक को कैंप में लेके जाना है, वो बिल लेके जाना है। उससे फ़ायदा ये होने वाला है कि आपके जो यूनिट है बिजली का, वो भी सब यूनिट पूरी हो जाएंगे, और आपके पेंशन है जो चिरंजीवी योजना है, पहले गहलोत सरकार की वो 10 लाख की थी, अब वो 25 लाख की योजना कर दी है। जो एक्सीडेंट बीमा था वो पहले 5 लाख का था, वो 10 लाख तक का हो गया है, और ऐसी कई योजना है, जैसे वृद्धाश्रम पहले 750 थी, आज वो 1000 रुपये कर दी गहलोत साहब ने, वो इससे पूरी जनता को राहत प्रदान हो रही है, वो चारों तरफ एक मेला जैसा लग गया है, और धन्यवाद के पात्र हैं। हम तो चाहते हैं ये सरकार दोबारा रिपीट हो, ताकि ये योजनाएं कंट्रोल चलती रहे। वो कई लोग जैसे बीजेपी के लोग एक अफवाह फैला रहे हैं कि ये चुनावी साल है, उसकी वजह से ये गहलोत सरकार मतलब झूठे आश्वासन दे रही है। तो मैं बताना चाहता हूँ उन लोगों को कि गहलोत सरकार कैसे कई योजना है जो लगातार चलती आ रही है, दवाई की अगर योजना है जो फ्री जाँचें हैं, फ्री दवाइयाँ हैं, जो पहले सरकार ने चालू की थी, बीच में वसुंधरा राजे की सरकार भी आई थी, वो कंटिन्यू रही थी। तो ये योजना है जो कंटिन्यू रहेगी, वो लोगों को भ्रमित करना बंद करें, लोगों को राहत प्रदान करें। आपका भी फर्ज बनता है, फर्ज बनता है कि आप जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दिलाएं इस योजना से। ये पूरे सबकी योजना है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी हो, ये सबके लिए योजना बनाई है गहलोत सरकार। अजमेर के डिस्कॉम द्वारा मदार परिसर में आज रक्तदान शिविर और निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर अनुभवी चिकित्सकों की देखरेख में आयोजित किया गया। इस शिविर में डिस्कॉम के अधिकारी और कर्मचारी के साथ उनके परिजनों ने अपने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। अजमेर डिस्कॉम द्वारा मदार परिसर में आज रक्तदान शिविर और निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन अनुभवी चिकित्सकों की देखरेख में किया गया। इस शिविर में डिस्कॉम के सभी अधिकारी, कर्मचारी और उनके परिजनों ने अपने अपने स्वास्थ्य की जाँच कराई। साथ ही युवाओं द्वारा बड़े उत्साह के साथ रक्तदान में भाग लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो कार्यक्रम मन की बात आगामी रविवार 30 अप्रैल को अपने 100 एपिसोड पूरे करने जा रहा है। इस मौके पर तीर्थ नगरी पुष्कर के एक निजी होटल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जमीनी प्रभाव और समाज में आए बदलाव को रेखांकित करने की योजना बनाई गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो कार्यक्रम मन की बात आगामी रविवार 30 अप्रैल को अपने 100 एपिसोड पूरे करने जा रहा है। इस मौके पर तीर्थनगरी पुष्कर में शुक्रवार को एक निजी होटल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके जमीनी प्रभाव और समाज में आए बदलाव को रेखांकित करने की योजना बनाई गई। कार्यक्रम के दौरान अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी, जिला देहात अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा, क्षेत्रीय विधायक सुरेश रावत, पूर्व जिला प्रमुख पुखराज पाड़िया, जीतमल प्रजापत, पूर्व मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश पाराशर, जिला मंत्री राजेंद्र मावर सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम सब देशवासी सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश को ऐसा नेतृत्व तो मिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी। इस देश के प्रधानमंत्री ही और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उनके मन की बात का 100वां एपिसोड 30 अप्रैल को होने जा रहा है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता में अति उत्साह है और वो चाह रहे हैं कि जो मन की बात जो करते हैं लोकल फॉर वोकल, क्या क्या वो ठेठ ग्रामीण तक जाकर गांव ढाणी तक क्या क्या स्थिति है, क्या वास्तविकता है इस देश की, इस देश को परम वैभव पहुंचाने के लिए मन की बात में वो सारी बातों को सम्मिलित करते हैं। ऐसे जो 100वां एपिसोड है उसके लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी देहात की आज बैठक यहाँ पुष्कर में हमारे देहात अध्यक्ष जी देवसिंह जी भूतड़ा, विधायक जी और सभी पार्टी के वरिष्ठ जन आज इस बैठक में सम्मिलित हुए और हम कह सकते हैं कि ये ऐतिहासिक मन की बात में बूथ स्तर तक जाकर हम मन की बात को सुनेंगे और हजारों लाखों की संख्या के अंदर मन की बात जो प्रधानमंत्री जी कहेंगे वो आम जन तक पहुंचाने का काम करेंगे ताकि इस देश को विकसित राष्ट्र हम बना सकें। देखिए मन की बात 100वां एपिसोड है, चुनाव तो अब हो रहा है, आज के 100 महीना पहले यानी आप 100वां एपिसोड है तो वहाँ तो चुनाव तब तो था ही नहीं। ये मन की बात भारतीय जनता पार्टी पहले राष्ट्र की चिंता करती है फिर पार्टी की बात करती है। भारत माता की जय बोलने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। इस देश हित में हमारे देश के प्रधानमंत्री जो भी काम करते हैं देश हित में करते हैं, पार्टी की बात नहीं वो देश हित की बात करते हैं। अब देश हित की बात करने में कोई राजनीति बात कोई उसे निकाले कोई अर्थ निकाले तो उसका तो कोई जवाब नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये मन की बात अजमेर देहात जो 5 विधानसभा क्षेत्र है इसमें ऐतिहासिक मन की बात बूथ स्तर तक होगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का जो संपूर्ण राष्ट्र में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के अंदर जो चर्चित कार्यक्रम प्रतिमा होता है मन की बात, उसका इस बार 30 अप्रैल को 100वां एपिसोड है। उस 100वें एपिसोड के नाते ये नीचे तक आम जन सुनकर कर लाभान्वित हो इस नाते ये कार्यक्रम पूरे जिले के अंदर ऐतिहासिक अस्मरणीय और प्रत्येक शक्ति केंद्र पर करने की योजना बनाई है ताकि मन की बात के कार्यक्रम से जहाँ संपूर्ण देश के अंदर 100 करोड़ से अधिक लोग सुन रहे हैं उसमें ये बढ़ोतरी होते हुए जो नवाचार मन की बात के माध्यम से माननीय मोदी जी के द्वारा जो बताया जाता है निश्चित रूप से उसमें राष्ट्र की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए इस मन की बात के कार्यक्रम को व्यापक रूप से करने के लिए नीचे तक की मंडल तक की योजना आज की इस बैठक में बनाई है। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का जो 100वां एपिसोड होने वाला है 30 तारीख को, उसके लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के देहात के कार्यकर्ताओं को तैयारी के लिए हमारी यहाँ पर बैठक आहूत की गई है जिसमें हमने जो प्रधानमंत्री जी का संवाद सीधे जनता से होता है उसके प्रति जनता को जागरूक करने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं को निवेदन किया गया है कि जो 100वां एपिसोड होगा वो विशेष होगा, इसलिए सभी लोग आप पूरी तैयारी के साथ में समस्त जिले के अंदर सब कार्यकर्ता। अजमेर लेडीज सोशल सोसाइटी द्वारा आयोजित अजमेर रेलवे स्टेशन पर शुद्ध जल सेवा का आज दूसरा दिन सफलतम रहा। सोसाइटी की सदस्य प्रमिला मिश्रा ने बताया कि भीषण गर्मी में यात्रियों को कैंपर से शुद्ध जल की सेवा की गई। आज जल सेवा को 6 टीमों में बराबर बांटा गया। इनकी देखरेख में सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी सेवाएं दी। अजय मेरू लेडीज सोशल सोसाइटी द्वारा आयोजित अजमेर रेलवे स्टेशन पर शुद्ध जल सेवा का आज दूसरा दिन सफलतम रहा। प्रमिला मिश्रा ने बताया कि भीषण गर्मी में यात्रियों को कैंपर से शुद्ध जल की सेवा की गई।
आज जल सेवा को 6 टीमों में बराबर बांटा गया। इनकी देखरेख में सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी सेवाएं दी। सभी कार्यकर्ता हाथ में ग्लव्स और मास्क पहनकर जल सेवा की और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया। प्रत्येक ट्रेन के डिब्बों में कैंपर और जग से कीपों द्वारा जल की सेवा की गई। आज के 75 कैंपरों की सेवा श्रीमती यमा बुरानी और श्रीमती महिमा जैन द्वारा की गई। इस अवसर पर नीरू जैन ने बताया कि सोसाइटी की सदस्यों में से दिशा प्रकाश कृष्णानी, रानी गोयल, सवलीन कौर, रश्मि गर्ग, सतनाम कौर, मोनिका चेनानी, रीना अर्पिता, प्रमिला मिश्रा, हेमा बुरानी, रोमा जैन, सीतिमा जैन, महिमा जैन, साक्षी पमनानी, अदिति अग्रवाल, साक्षी आसानी, सारिका चौरसिया और सारिका शर्मा उपस्थित थी। श्रीमती कृष्णानी ने सोसाइटी की उपस्थित सदस्यों और श्री विवेक रावत, संजय काकरा और रेल प्रशासन के पूर्ण सहयोग पर आभार प्रकट किया। हाँ जी, हमने आज ये मेरू लेडीज सोशल सोसाइटी की तरफ से हमने जल सेवक का आज हमारा लगाया है, दूसरा दिन है। हमने कल भी दिया था और आज भी दे रहे हैं। अभी तक हमारे 50 कैंपस आ चुके हैं और ख़त्म हो गए, अभी और आ रहे हैं कैंपस। हमारा मंशा ये कि जो ट्रेन में आते हैं, उन जो नीचे नहीं उतर सकते हैं, उनके लिए हम पानी प्रोवाइड कराते हैं जल से। वार्ड 41 कृष्णा कॉलोनी के क्षेत्रवासियों ने क्षेत्र में शराब का ठेका खुलने पर विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों ने कहा कि कृष्णा कॉलोनी घनी आबादी क्षेत्र और यहां पर शराब का ठेका खुलने से क्षेत्र का माहौल खराब होगा, इसलिए इस संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर भी अवगत कराया जाएगा। गढ़ी मालियान स्थित वार्ड नंबर 41 की कृष्णा कॉलोनी में शराब का ठेका खुलने पर क्षेत्रवासियों ने जमकर विरोध किया। इस मौके पर पार्षद नीतू मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि हर साल रिहायशी क्षेत्र में शराब का ठेका खुलने की अनुमति लेकर आने वालों का विरोध किया जाता है और खुलने नहीं दिया जाता। इस बार भी शराब का ठेका क्षेत्र के लिए सैंक्शन हुआ है, जिसका क्षेत्रवासी भारी विरोध कर रहे हैं। पार्षद मिश्रा ने कहा कि इस संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर क्षेत्र में शराब का ठेका हटाने की मांग की जाएगी। कृष्णा कॉलोनी जॉन्सगंज के अंदर अभी जो अवैध जो शराब का ठेका खुला है, जिसका स्थानीय निवासी तथा हम लोग सभी इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये हर साल आवंटित होती है, लेकिन हम हर साल इसको इधर ठेका खुलने के लिए मना ही करते हैं और सभी स्थानीय जो निवासी हैं वो भी इसका पुरजोर विरोध करते हैं, जिसके कारण आज तक कभी खुल नहीं पाया है ठेका। एक तो ये स्थानीय निवासी और रिहायशी इलाके के अंदर ये ठेका खुलने की वजह से जो लोगों को मानसिक और आर्थिक रूप से जो हानि होती है और जो परेशानी होती है आवाजाही के अंदर, तो वो सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो मैं कलेक्ट्रेट साहब से इसका एक ज्ञापन दे करके उम्मीद करती हूँ कि वो नियमानुसार ये जो शराब का ठेका है जो रिहायशी इलाके में ना खुलने दें, जिससे हमारे निवासी और जो हम लोग आसपास के जो लोग हैं जो आवाजाही करते हैं उनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। हम यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे दारू का ठेका ना खोला जाए, क्योंकि बच्चे भी हैं, लड़कियाँ भी हैं, घर भी है, पीपी के लोग बाग पड़े रहते हैं, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। और हम यही चाहते हैं कि हमेशा के लिए ठेके कहीं भी नहीं खुलना चाहिए। घर परिवार है, आसपास मकान है, सब तरीके हैं, बड़े बूढ़े हैं, बच्चे हैं, लड़कियां हैं, जवान हैं, पीपी के अपने घर वालों को भी दुखी करते हैं, उनकी लुगाइयां भी दुखी होती है, घर परिवार भी बिगड़ता है। तो हम यही चाहते हैं कि शराब ठेका नहीं खुलना चाहिए, पड़ेगा गलत असर पड़ेगा और हम लोग भी कितनी लड़ाई लड़ेंगे, कोई मारपीट होगी, कोई मारेगा, कोई कूटेगा, इस वजह से हम यही चाहते हैं अपने घर वालों को परेशान करेंगे। मिल रही है, अभी भी मिल रही है, इसलिए हम यही चाहते हैं कि इसको बंद करा जाए, खुला नहीं जाए, बहुत घर दुखी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, फॉलोअप करें, इंस्टाग्राम को फॉलोअप जरूर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहें स्वामी न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।